क्यों प्रणाम कर रहे हो बेटा? साई, साई कहाँ गए? साई, साई यहाँ कहाँ है? यहाँ तो केवल तीनों ही हैं ना बेटा। हम इसी समय शिरडी जाएंगे। बनवाएंगे साईं, मैं खुद घर घर जाके पैसे जमा करूंगी। हाँ शायद एक दो महीने लग जाएंगे, लेकिन प्याऊ बन जाएगा। क्षमा कर दीजिए साई, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो जाए। किताबें पढ़कर आपसे विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान उसे अपने जीवन में अनुभवों से ही मिलता है। और वो ही तब, जब आप जैसे मार्गदर्शक की कृपा। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं, मैं जितनी जल्दी हो सके प्याऊ का निर्माण कार्य शुरू करूंगा। मैं खुद के वेतन से प्याऊ बनवाऊंगा मानवता के कल्याण के लिए। जरूरतमंद की सहायता के लिए ये मेरा पहला कदम होगा साईं। साईं,
अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बाबा साहेब, वमन को मेरे नहीं आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अपने बेटे के सबसे अच्छे मार्गदर्शक आप ही हो सकते हैं। वमन को सिर्फ अपने पिता को समझने, उनका अनुसरण करने, उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। बस क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं हमेशा आपके दान पुण्य को, परोपकार को, आपकी अच्छाई और भोलापन समझता रहा। मैं सोचता था कि लोग आपको मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। बेटे, आज तक तुम केवल मेरे पुत्र थे, पर इस क्षण से तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी बन चुके हो। मुझे तुम्हारी हर बात पर गर्व है। शिक्षा और सफलता के साथ तुमने विनम्रता, दया और मानवता को भी समझ लिया है बेटे। साई, नीम गांव से समाचार आया, प्यो की सारी तैयारियां हो चुकी है। बाबा साहेब ने कहलवाया कि कल का दिन शुभ है। अगर साई अनुमति देते हैं तो प्यो का शुभारंभ हम कल से ही कर सकते हैं। शुभ से शीघ्रम, निस्वार्थ मन, निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले काम के लिए हर समय शुभ समय होता है। कल ही से शुरू करते हैं। साई, मैंने प्याओ के लिए तख्ती बनाई है। मैं सोच रहा था हमें इस पे कोई संदेश लिखना चाहिए। आप बताइए क्या लिखें। हमें सेवा का एक अवसर अवश्य दे, ऐसा लिखवा दो। ठीक है सर। कुलकर्णी सरकार इस गांव के मुखिया हैं, तो क्या हमें उन्हें बुलाना नहीं चाहिए? अवश्य बुलाना चाहिए मालसापति जी। वहां पर वो आएंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा। सरकार, सरकार, गवर्नर साहब ने चिट्ठी भेजी आपके लिए। अच्छा, हाँ पढ़। कुछ दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। सैनिकों को बंधक बनाकर गांव वालों ने घोड़ा गाड़ी पर रखे पानी को छीन लिया। हालांकि घटना शिरडी गांव के बाहर घटी, लेकिन लूटपाट करने वाले लोग शिरडी के तरफ जा रहे थे। भविष्य में सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसी घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अगर असफल रहे तो दोनों गांवों को खो देंगे आप। और अगर सफल रहे तो अंग्रेज सरकार
तीसरे गांव के प्रबंधन का दायित्व आपको दे सकते हैं। हरिओम। अबे गधे, तुझे मैंने कहा था कि उस घटना के बारे में एक एक जानकारी चाहिए मुझे, उसका क्या हुआ? सरकार सरकार, वो बैरागी नीम गांव के कुछ लोगों की मदद से प्याहू बनवा रहा है, ताकि ताकि दूर दूर गांव से जो लोग उसे मिलने के लिए आते हैं उन्हें पानी की समस्या से दो चार ना होना पड़े, उन्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए निमंत्रण पत्र आपको भेजा है उद्घाटन में शामिल होने के लिए। देखा सरकार कितना दिखावा कर रहा है साईं, आपको कुलकर्णी सरकार को निमंत्रण भेजा शामिल होने के लिए, उद्घाटन के लिए नहीं, उद्घाटन तो वो खुद करेगा। आप ताली बजाने जाइएगा, हिम्मत देखी उसकी, वो ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे बड़ा हो गया है। हरिओम। उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है अंता, हो न हो अंग्रेज सरकार के गाड़ी पर हमला करने वाले, पानी छीनने वाले लोग साई के ही लोग थे और उससे मिलने शिरडी आ रहे थे वो। तो क्या ये खबर अंग्रेज सरकार को दे दे? चुप बैठ मूर्ख, कहीं के कोई सबूत है तुम्हारे पास? हरिओम। दूध का जला छांस भी फूंक फूंक के पीता है। विष्णु की घटना में मैंने धोखा खाया है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, सब समझ बूझ के करूंगा। जाएंगे उद्घाटन समारोह में, जाएंगे। हरिओम। सीढ़ी तक आने वाले रास्तों पर बनने वाली प्याऊ की श्रृंखला का पहला प्याव है, आगे और भी स्थापित होंगे और इस प्याऊ पर जो पानी उपयोग में लाया जाएगा वो नीम गांव का पानी होगा। प्याऊ का उद्घाटन हो चुका है, अब सबसे पहले पानी मैं पिलाऊंगा। शिरडी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुमने सबसे पहले जल पिलाकर इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। हरिओम।
वैसे मेरी भी योजना थी कि जगह जगह पर मैं ब्याह बनाऊं, लेकिन ठीक है ये कार्य कोई और कर रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे शुभ कार्य में सम्मिलित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हरिओम। पानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। स्पष्ट है कि पानी की कमी होगी, है ना साई? हाँ, लेकिन तुम तो लोगों को सबूरी सिखाते हो, तो तुमसे मिलने आ रहे लोग अपने प्यास पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए? हाँ? हिंसक क्यों बन गए? सरकारी वाहन पर उन्होंने हमला क्यों किया? अंग्रेज सरकार के घोड़ा गाड़ी से पानी छीन लिया क्यों? सैनिकों को बंदी बना लिया गया क्यों? यह पत्र है, अंग्रेज सरकार ने मुझे भेजा है, जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है। जिन्होंने हमला किया वो तो तुमसे मिलने आ रहे थे साई, तो इस घटना का उत्तरदायी कौन है? कौन? तुम हो तुम। हिंसा किसी भी कारण से हो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन अगर किसी को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी ना मिल सके तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? और प्याऊ इसीलिए लगवाया है ताकि कम से कम पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी हो सके और कोई हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर ना हो। उपदेश दे दिया और अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा ली। हरिओम। ऐसे सरल मार्गों का उपयोग तुम कर सकते हो साई, मैं नहीं। मैं मुखिया हूं शिरडी का, संरक्षक हूं। यहाँ नियम और व्यवस्था का दायित्व मुझ पर है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिरडी में अराजकता फैल चुकी है, इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं इसी समय शिरडी में जमाबंदी घोषित करता हूं। अर्थात केवल 3 लोग एक स्थान पे इकट्ठा हो सकते हैं। कितने? 3 लोग, इससे अधिक नहीं, किसी भी परिस्थिति में। और किसी ने भी जमाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसे तुरंत बंदी बना दिया जाएगा, तुरंत। पर जमाबंदी तो बहुत ही सख्त नियम है, और कैसी अराजकता की बात कर रहे हैं आप? कुछ आदमियों ने अंग्रेज सरकार की बग्घी पर हमला किया, वो भी सिर्फ पानी के लिए। आप सोचिए कि पानी ना मिलने पर इंसान हिंसा पर उतर आया, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने पानी लूटा। अब आप ही बताइए कि इसमें असफलता किसकी है? उन लोगों की, साई की या प्रशासन की, जिसने लोगों की बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी की? हरिओम हरिओम। परिस्थिति जैसी भी हो अप्पा जी, प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान करना चाहिए। हरिओम।
तर्क कुतर्क से नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। नियम तो नियम है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी जमाबंदी के नियमों का पालन करें। जमाबंदी का अर्थ समझते हैं आप? आपके खंडहर में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, केवल 3 लोग। तुम्हें मिलाकर 3 लोग। प्रयोग। लेकिन कुलकर्णी सरकार, जमाबंदी के इस नियम के कारण तो इन लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। किसान खेतों में काम भी कैसे कर पाएंगे? आपको जमाबंदी करनी है तो अवश्य कीजिए, लेकिन कृपा करके संख्या 3 से ज्यादा कर दीजिए। माल सापति जी, नियम तो नियम है, और जहां तक बात है खेतों में काम करने वाले किसानों की, तो 3-3 किसान बारी बारी जाकर खेतों में काम करेंगे, उसमें क्या है? जहां जाम वहां राम। हरिओम। और औरतें एक साथ मिल बैठकर जो एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाती हैं, उनका क्या? औरतें कब से समस्या सुलझाने लगी? वो तो स्वयं एक समस्या होती है। जहां औरतें इकट्ठा हो गई, वहां फिर सास बहू की चुगली आरंभ हो जाती है। मेरा तो ये कहना है कि औरत को घर की चौकट के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। घर में रहकर चूल्हा संभाले, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे, यही कार्य अगर वो ढंग से कर दे तो समाज सुधर जाए। हरिओम। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुलकर्णी सरकार। स्त्री के जिन गुणों का बखान आप अभी कर रहे थे, वो सच में मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों का पालन पोषण मतलब हमारे भविष्य का संरक्षण। घर का प्रबंधन मतलब हमारे वर्तमान की देखभाल। अवसर मिला नहीं, प्रवचन शुरू हो जाता है तुम्हारा। हरिओम। कर लो कर लो, ये तेरा आखिरी अवसर है इतने लोगों के सामने प्रवचन देने का। इसके उपरांत केवल 2 लोग आएंगे तुम्हारे पास। कितने? 2 लोग। बोलो बोलो, जितना चाहे बोलो। और सुनो, कोई भी इस नियम की गंभीरता को समझने में भूल ना करे। हरिओम।